हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो आज हम सिखा रहे हैं आपको बहुत खूबसूरत केक की डेकोरेशन। केक के ऊपर खूबसूरत सा इफेक्ट बहुत इजी से आप बना सकते हैं। और इस तरह के अच्छे केक बनाएं, अच्छी डिज़ाइनिंग करें, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स लें। हमारा मकसद यही है आपको सिखाने का। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने दो अंडों की रेसिपी बनाई है और 4.5 इंच के पैन में दो केक बेक कर लिए, आधा आधा बैटर डाल के। और बहुत सारे आपको चॉकलेट केक बनाना सिखाए हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ ये बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट केक बेक हुआ है। इनको कट कर लेंगे दोनों केक्स को 6 लेयर में। केक हमारा हाइट वाला है, यहाँ देखें केक कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बेक हुआ है। केक हमारा हाइट वाला है इसलिए हम एक जैसी लेयर कट करेंगे। तो आप भी जब केक कट करें तो इस तरह अच्छा सा केक कट करें ताकि जब आप क्रीम लगाएं तो आपका केक ऊपर नीचे ना हो, एक जैसा सेट हो। तो केक को हमने कट कर लिए, अब हम असेंबल करेंगे। 10 इंच का बोर्ड ले लेंगे वाइट कलर का, चॉकलेट क्रीम लगाएंगे, पहली लेयर रखेंगे, शुगर सिरप से सोक करेंगे और चॉकलेट क्रीम लगाकर केक को सेट कर लेंगे। चॉकलेट क्रीम भी बनानी है आपको, पहले बहुत सारी वीडियोस में बताई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। दूसरी लेयर भी रखेंगे, सोक करेंगे, क्रीम लगाएंगे। इस तरह हम 5 लेयर केक की लगाएंगे और केक को असेंबल कर लेंगे। तो वेलकम करते हैं हम अपने न्यू मेंबर्स का, अक्सा खान, उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। उन्होंने पूछा है मार्जरीन खुद बनाया है या बाज़ार से लिया है। वो कहती हैं मैं खुद बनाती हूँ लेकिन केक बनाती हूँ तो हार्ड बनता है, ऐसा क्यों है? कुछ रीज़न हो सकती हैं आपके मार्जरीन में बनाने में, आपने उसमें पानी छोड़ा होगा, अच्छी तरह नहीं निकाला होगा, क्योंकि मार्जरीन जब बनाते हैं तो उसको ज़्यादा देर प्रेस करते हैं, पानी ना हो उसमें। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब आप मार्जरीन यूज़ करती हैं तो फ्रिज का ठंडा इस्तेमाल करती होंगी, इसलिए हार्ड होता होगा आपका केक। तो इन दो चीज़ों को आप देखें तो आपका केक अच्छा बनेगा। मार्जरीन 3 से 4 घंटे फ्रिज से बाहर निकालें, फिर आप उससे केक बेक करें। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज के लिए। यहाँ हमने 5 लेयर में केक को सेट करके बीच में स्ट्रॉ लगा दिया है। हमेशा आप भी जब हाइट वाला केक बनाएं और छोटे पैन हों, छोटे साइज़ के, तो जब क्रम कोट कर रहे हों उसी वक्त स्ट्रॉ लगाएं, ताकि जब केक को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें या साइड की क्रीम लगाएं तो केक ख़राब ना हो, डिसबैलेंस ना हो, बिल्कुल सीधा रहेगा केक क्रीम लगाते हुए भी और फ्रिज में रखते हुए भी और निकालते हुए भी। केक को क्रम कोट कर लेंगे अच्छी तरह। क्रम कोट करने के बाद केक को फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद ऊपर हम पिंक कलर की क्रीम लगाएंगे। एक और न्यू मेंबर है, उनका नाम शो नहीं हो रहा, यूज़र आईडी है। उन्होंने पूछा है मार्जरीन क्या होता है। मार्जरीन मक्खन तो नहीं होता, लेकिन मक्खन की जगह बेकरीज़ वाले मार्जरीन इस्तेमाल करते हैं अपने तमाम बेकिंग आइटम्स बनाने के लिए, केक्स, कपकेक्स, बिस्किट्स, ब्रेड, बन, हर एक चीज़ बेकरी में मार्जरीन से ही बनती है। तो यहाँ हमने केक को अच्छी तरह क्रम कोट कर लिया है। एक और न्यू मेंबर है, वेलकम टू राज्यास वर्ल्ड। उन्होंने पूछा है मार्जरीन क्या होता है। अब हम पिंक कलर की क्रीम लगाएंगे पाइपिंग बैग में डाल के।
उन्होंने पूछा है मार्जरीन कहाँ से मिलता है। तो मार्जरीन आप जहाँ से बेकिंग के इंग्रेडिएंट मिलते हैं वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं, और घर पर भी आप डालडा घी जो दानेदार हो उससे बना सकते हैं। तो इसी तरह हम पूरे केक के ऊपर पिंक कलर की क्रीम लगा लेंगे। एक और न्यू मेंबर हैं तुगरल फुरकान, उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। वो किसी अपने भाई या हस्बैंड की आईडी से मैसेज किया है, कोई लेडी हैं ये, कहती हैं मैं पतीले में बेकिंग करती हूँ पर कभी भी केक के सरफेस पर कलर नहीं आता। ये टी केक की बात हो रही है यहाँ, ऐसा तो सिर्फ ओवन में होता है। बेक जैसा आपका हुआ है, आपके आप मतलब के समझ नहीं आई कि आपके केक टी केक के ऊपर इस तरह का कलर कैसे आया है। तो यहाँ हम आपको बताते हैं, आपके सामने हमने बेक होने के लिए पतीले में रखा, हमने केक का काम स्टार्ट करने से पहले पतीले को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। आपके सामने केक को पतीले में रखा और आपके सामने ही हमने पतीले से निकाला, जब निकाला तो बहुत सारा स्टीम एकदम निकला। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपका केक के ऊपर कलर नहीं आ रहा तो आप लिड अच्छी तरह नहीं बंद करते होंगे या बार बार चेक करते होंगे, इसलिए आपके केक के ऊपर कलर नहीं आता होगा। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे मैसेज के लिए। क्यूटी प्लेस, उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। उन्होंने टी केक पर बहुत प्यारा मैसेज भेजा है, उन्होंने लिखा है यम यम, और बहुत प्यारे दो अमोजी भेजे हैं और कहती हैं कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज के लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आयशा आसिम, उन्होंने कहा है गोल्डन ड्रिपिंग सिखा दें। जी बिल्कुल ज़रूर, आपका ये मैसेज हमारे पास है, जल्दी सिखाएंगे। यहाँ हम ले लेंगे स्कॉच ब्राइट जिससे हम बर्तन धोते हैं, उसका कुछ हिस्सा फॉर्म का काट कर उसको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लेंगे, और इस तरह केक को हम एक से आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद ऊपर इस तरह फॉर्म से हल्का हल्का टैप करेंगे इस तरह, और ये खूबसूरत सा टेक्सचर बनता जाएगा। देखें कितना खूबसूरत ये टेक्सचर बन रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर घर की ज़रूरत है, हर घर में ये स्कॉच ब्राइट इस्तेमाल होता है। और यहाँ ये बहुत टाइम ले रहा था ये काम करने में, तो हमने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे कट कर दी है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो इसी तरह पूरे केक पर हम टेक्सचर बना लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं हमने केक के एजेस छोड़ दिए थे, वो इसलिए कि जब पूरे केक के ऊपर हम इस तरह फॉर्म से टैप टैप कर लेंगे तो सबसे लास्ट में हम केक के एजेस बनाएंगे ताकि वो ख़राब ना हो, इसी तरह अच्छे से नज़र आए। तो खूबसूरत सा टेक्सचर देखें रेडी हो गया। अब हम कुछ नंबर्स लिख लेंगे फाउंडेंट के साथ, 24। आप चाहें तो इधर आप वाइट चॉकलेट में पिंक कलर डालकर उससे भी ये नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन हम फाउंडेंट से लिख रहे हैं। लिवर गेमिंग, उन्होंने कहा है शुगर फ्री केक बनाना सिखा दें, मेरी मदर इन लॉ को खाना है। जी बिल्कुल ज़रूर, किसी वीडियो में आपको शुगर फ्री केक भी बनाना सिखा देंगे। आबिद खान, उन्होंने टी केक पर बहुत थैंक यू कहा है कि उनकी फरमाइश पूरी हो गई है। वो कहती हैं 2 से 3 बार ट्राई किया है लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, टी केक बहुत ऑयली होता है, मैं होम बेकर हूँ, ऑनलाइन केक के ऑर्डर्स लेती हूँ, और आप बता दें टी केक लो कॉस्ट में ऑर्डर वर्क के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल कोई ऐसी अच्छी सी रेसिपी आपको टी केक की देंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना हो, बहुत हैवी भी ना हो, क्योंकि
मार्जरीन वाला टी केक बहुत हैवी होता है, बिल्कुल खाया नहीं जाता। और अगर आप जब ये मार्जरीन वाला टी केक खा लेते हैं तो उसके बाद दिल भारी भारी हो जाता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कम ऑयल वाला ज़रूर आपको केक सिखा देंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मैसेज करें कि आपको ऑयल वाला टी केक बनाना सिखाएं, तो ज़रूर उस रेसिपी का नंबर भी आ जाएगा। यहाँ हमने 2-4 लिख लिया है। अब ऊपर हम गोल्डन डस्ट कर लेंगे, इनको हमने स्कीवर भी लगा लिया है। एक और हमें बहुत प्यारा मैसेज आया हुआ है नूर ग्रीन का। नूर ग्रीन, उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। उन्होंने कहा है, सलाम सिस्टर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। मैं यूके से हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैंने आपकी वीडियो देखी है। पहले मैं जैसे फास्ट फॉरवर्ड करके कम वक्त में देखती थी वीडियो, लेकिन ऐसे ही मैं आपकी वीडियो भी देख रही थी। यहाँ हम रोकते हैं इस मैसेज को। हमने वाइट चॉकलेट को मेल्ट किया है और उसमें पिंक कलर ऐड किया जैसा क्रीम का कलर है। अब हम हार्ट मोल्ड ले लेंगे, उसमें वाइट चॉकलेट डालेंगे पिंक कलर की बनाई हुई, और इस तरह ब्रश की हेल्प से फैला लेंगे। यहाँ हम स्पून का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई ब्रश ले लेंगे जो बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बहुत सारे ब्रश हैं हमारे पास। अब उसको रखेंगे फ्रिज में, चॉकलेट 10 मिनट में हार्ड हो जाए तो उसके अंदर हम लगाएंगे केक, वही चॉकलेट केक जो हमने बेक किया था। 5 लेयर केक के लिए सेट की और 1 लेयर हमने एक साइड पर रखी थी, वही लेयर कट करके यहाँ हम चॉकलेट केक सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है केक के ऊपर लगाने के लिए पिंक और वाइट कलर का हार्ट। अब ऊपर हम पिंक कलर की चॉकलेट लगाकर कवर करेंगे और फ्रिज में रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये ड्राई हो जाए। तो टैप करेंगे ताकि ऊपर वाली चॉकलेट अच्छी तरह सेट हो और बबल निकल जाए। अब किसी हार्ड चीज़ के ऊपर, हार्ड गत्ता या चॉपिंग बोर्ड, उसके ऊपर इस मोल्ड को रखेंगे और फिर फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ देखिए, 10 मिनट रखा हमने इस मोल्ड को। अब फ्रिज से निकाल कर ये हार्ट हम निकाल लेंगे। इस तरह मोल्ड के एजेस को हम लूज़ करेंगे स्कीवर की हेल्प से। बस यहाँ ये ख्याल करेंगे हार्ट डैमेज ना हो, चॉकलेट टूटे ना। तो इस तरह हम आसानी के साथ, ऊपर से हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारे थम्स के निशान आ जाएंगे और ये अच्छा लुक नहीं देंगे। छोटे हार्ट्स के लिए चॉकलेट मोल्ड में हमने पिंक कलर की चॉकलेट डाल के उसको भी हमने फ्रिज में सेट कर लिया। डीमोल्ड कर लेंगे, इस तरह थम से प्रेस करेंगे और हार्ट्स बाहर निकल जाएंगे। इस तरह निकाल लेंगे हम। सारे हार्ट्स निकाल लिए। यहाँ हमने कुछ वाइट हार्ट्स भी बना कर रखे हैं जो हमने वीडियो में आपको नहीं दिखाए, आपको हम बाद में दिखाएंगे। अब हम वाइट क्रीम पाइपिंग बैग में डालेंगे, केक की साइड्स पर लगाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे ही आपकी वीडियो को भी देख रही थी, बट आपकी बातों में कुछ था जिसने मुझे आपको बात आपको बहुत गौर से सुनने पे मजबूर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपका समझाने का तरीका था, माशाल्लाह, सो नाइस, अच्छा लगा। और अब देखे, मैं आपको इतना लॉन्ग मैसेज कर रही हूँ,
अल्लाह बरकत दे, इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ लर्न करना चाहती हूँ, क्या कांटेक्ट करना पसंद करेंगी? आप भी ज़रूर बताइएगा आप पाकिस्तान में किस सिटी से हैं। आंसर का वेट करूँगी सिस्टर। जी मैं पाकिस्तान कराची से हूँ, और थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज के लिए, इतनी दुआओं के लिए। ये हमारी मेहनत है और हमारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स का प्यार है जो हमारे काम को देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से हमारी वीडियो देख रही हैं और इतना प्यारा आपने मैसेज किया है। तो यहाँ हम दो लेयर में वाइट क्रीम लगाएंगे। पहली लेयर में हमने लगा दिया, अब एक हम सेकंड लेयर में भी लगाएंगे। केक की साइड पर वाइट क्रीम की डबल लेयर होगी। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए हमें ये बनाना पड़ता है। वीडियो स्किप नहीं करते ताकि, क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों को सिखाने का। अगर हम वीडियो स्किप करेंगे, कट करेंगे, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अब हमने फर्स्ट लेयर केक पर लगा दिया, अब सेकंड लेयर उससे थोड़ी सी कम अप्लाई करेंगे। अस्मा करीम, उन्होंने टी केक पर कहा है ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। चॉकलेट कुकीज़ की रेसिपी को पसंद किया है, कहती हैं ज़रूर ट्राई करूँगी, ड्राई फ्रूट केक भी सिखा दें। बिल्कुल जी, आपको ज़रूर सिखाएंगे ड्राई फ्रूट केक भी। और कहती हैं आपकी हर रेसिपी और सिखाने का अंदाज़ कमाल है, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे मैसेज के लिए। आप हमारे काम को पसंद करते हैं, हमारा तो सिखाने का अंदाज़ बिल्कुल सिंपल और सादा है। हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनावटी तरीके से बात नहीं करते, सिंपल चीज़ें सिखाते हैं ताकि आपको समझ आए और आप अपना काम अच्छा करें और खूबसूरत केक बनाएं, खूबसूरत डेकोरेशन करें। जो हमारे व्यूवर्स होम बेकर्स हैं, घर से काम करते हैं, उनके लिए कुछ आसानी हो, वो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमसे सीखें, क्योंकि केक का काम जब स्टार्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, तो काम बहुत लंबा हो जाता है, बहुत थक जाते हैं। जब पिंक कलर के हार्ट्स रेडी किए थे, जो केक पर स्पेस कम होने की वजह से हमने नहीं लगाए, और अब ये वाइट चॉकलेट से छोटे हार्ट बनाए हैं और पिंक कलर के हार्ट लगा कर केक के ऊपर सेट कर लिए। केक की साइड पर भी पिंक कलर के हार्ट लगा दिए हैं। 24 नंबर रेडी किया था फॉन्डन के साथ, वो भी केक के ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह के आप भी खूबसूरत केक रेडी कर सकते हैं। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। एक हार्ट को गोल्डन डस्ट कर देंगे, वाइट कलर के बड़े वाले बीट्स भी लगा दिए हैं ऊपर केक के। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये केक और केक की डेकोरेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच अपने तमाम व्यूवर्स का, जिनमें फ़ियाज़ अहमद है, उन्होंने कहा है मोल्ड का डायमेंशन सेंटीमीटर में बताया करें। जी बिल्कुल ठीक। आयशा आसिम, राबेल रहमान, लिवर गेमिंग, आमना शेख, इन सब के बहुत प्यारे मैसेज हैं, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको हमारा ये आज का केक? लाइक शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।